नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल DY एंड माजर नर्सरी पर। दोस्तों, अब जो सर्दी के जो फूल थे वो उनका सीज़न अब जा चुका है और अब गर्मी का मौसम आ चुका है और उसमें आप परमानेंट पौधे हैं वो लगा सकते हैं जो कि पूरे साल उनमें फूल रहेंगे। तो इस तरह के ही पौधे बताएंगे आपको जो कि आप मार्च अप्रैल के माह में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह के प्लांट केयर के बारे में और नर्सरी पर जो भी नए प्लांट आते हैं वो आपको जानकारी टाइम पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये लंटाना के प्लांट है और ये एक झाड़ीनुमा प्लांट होता है और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला पौधा है और पूरा साल ये फूल देता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है और इनमें 3 से 4 कलर में ये प्लांट आता है। और दोस्तों, आप इस टाइम में गुलाब के प्लांट भी लगा सकते हैं। गुलाब का अब ये लगाने का टाइम है तो आप गुलाब के प्लांट भी लगा सकते हैं और नर्सरी पर आपको 3-4 किस्म की वैरायटियाँ मिल जाएंगी तो आप गुलाब के प्लांट भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये बरबेना के प्लांट है। ये ऐसा प्लांट है जो कि सर्दी में भी फूल देता है और कटिंग के द्वारा भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस तरह का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें भी 3 से 4 कलर आते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी तैयार होने वाला प्लांट है। आप कटिंग के द्वारा भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये टिकोमा के प्लांट है और ये प्लांट भी पूरा साल फूल देता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। इनमें भी 2-3 कलर आते हैं, जिसमें येलो है और ये आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर है। तो ऐसे में ये इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, खुशबू वाले प्लांट की बात करें तो आप गंधराज, जिसे गार्डनिया बोलते हैं, ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, जिसमें बड़ा साइज़ का फूल आता है खुशबूदार। तो इस तरह के प्लांट भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी साल में 2 बार फूल आते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, जटरूपा का प्लांट है और ये प्लांट, इसमें रेड कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो गोल आकार का हो जाता है, गोल शेप ले लेता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये आप प्लांट लंटाना के ही प्लांट देख रहे हैं। लंटाना का प्लांट भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं और ये पूरा साल फूल देता है। इनमें भी बहुत से कलर आते हैं, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों, इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये मधुमालती का पौधा है और मधुमालती में दोनों तरह से आते हैं, जिसमें एक बेल होती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मधुमालती का पौधा है जिसमें पिंक और वाइट कलर के फूल आते हैं। तो ये प्लांट भी आप इन दिनों में लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये हिबिस्कस, जिसे गुड़हल बोलते हैं, और गुड़हल भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को भी आप इन दिनों में लगा सकते हैं। इनमें भी 2-3 वैरायटियां आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं। और हिबिस्कस में भी हाइब्रिड वैरायटी है, जो उसमें भी साल भर फूल रहते हैं, तो आप इस तरह के प्लांट भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये कनेर के प्लांट है। इनमें भी 2 वैरायटियां रहती हैं, देसी वाली वैरायटी भी और हाइब्रिड भी। तो आप कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पर टाइम देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।